नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए शुल्क के विरोध में गुरुवार को फिर टोटो चालक बीटे फील्ड में एकत्रित हुए। यहां भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने टोटो चालकों को यूनियन का पाठ पढ़ाते हुए इन्हें एकजुट रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि एकता में ही बल है। मालूम हो कि शहरी क्षेत्र में चलाने वाले टोटो चालकों से टैक्स के तौर पर नगर निगम 15 रुपए कर के प्रतिदिन वसूल रही है, जिसको लेकर टोटो चालकों में काफी रोष है। इस संदर्भ में टोटो चालकों ने भाकपा माले के नेता के साथ मिलकर नगर निगम कार्यालय में आवेदन देकर बढ़ाए गए टैक्स को घटाने की मांग की है। लिखित आवेदन में कहा गया कि हर एक दिन टोटो और ऑटो वाले से 15 रुपए वसूला जाता है। कहा कि जेएमएम सरकार जब से आई है तब से टोटो का भी नगर निगम टैक्स लेने लगी है। ज्ञात हो कि पहले टोटो का टैक्स नहीं लिया जाता था, उसके बाद 5 रुपए, फिर 10 रुपए और अब 15 रुपए लेने लगा है। नगर निगम अंतर्गत में लगभग 3-4 हजार या 5 हजार टोटो चलता है। वो तो RTI के माध्यम से पता चलेगा कि कितना टोटो चलता है। RTI हम खुद कर रहे हैं, पहली बार करेंगे और नगर निगम पर ही सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इन लोग को टोटो में 5 रुपया लगता था, पहले फ्री था, फिर 5 लगा, फिर 10 हो गया और फिर अभी 15 कर दिया गया। इसका विरोध में, चूँकि ये लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसके विरोध में हम लोग एकत्रित होकर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से करता है। और हम लोग एक RTI के तरफ लिखित लेंगे और फिर हम लोग आंदोलन भी तेज करेंगे। जो संवेदक है वो संवेदक किस आधार पर लिए हैं, रसीद जो देते हैं उस रसीद में कहीं नंबरिंग नहीं है, वो किस आधार पे करते हैं, बस इस प्रकार से हम लोग अपना काम करते रहेंगे और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे।